संपूर्ण खबर को आसीबा बीजेडी को फेरिबे सौम्य पटनायक सौम्य रंजन पटनायक को नहीं थमुनी चर्चा पुणी बीजेडी को फेरिबे सौम्य रंजन दिने दुई दिन भीतर बड़ निष्पत्ति नेबे बोली चर्चा होउछि। ए जाय खंडपड़ा टिकेट घोषणा करिनी बीजेडी एवं सौम्यों पाई एबे भी संभावना रहिछि। 2019 जल देखिबा खंडपड़ा रु विधायक अछंति सौम्य रंजन दल विरोधी कार्य पाई बीजेडी रु बहिष्कृत होइछंति एवं वर्तमान समय पुणी चर्चा जोर धरिछि जे पुणी दल को फेरी पारंती सौम्य रंजन यारी भितरे आमे जदि देखिबा जो चर्चा आलोचना हेउची एवं यारी भितरे कुआ जाउची दिने दुई दिन भितरे चित्र स्पष्ट हेबो तेनो मोटामोटी भावरे जदि आमे कहिबा जो चर्चा आलोचना जारी रहिची गत किछि दिन धरी एवं जो चर्चार अंत घटिनाय आशा करिबा जे खूब शीघ्र ये चर्चा जो हेउची एतरे पूर्णच्छेद पड़िबो एवं दिने दुई दिन भितरे खूब शीघ्र ये चर्चा उपरू पर्दा हटिबो बोली कुआ जाउची। एवं गत किछि दिन पूर्वरु आपण जानिछंति सौम्य रंजन पटनायक बीजेपी रे मिसिबा नै चर्चा हेउतला एवं वर्तमान समय पुणी बीजेडी रे जोग देबा पई अर्थात घर बाहुड़ा देखा मिली पारे बोली चर्चा एवं सौम्य रंजन पटनायक आम जी कह जे प्रभावशाली नेता तीन दल ने से कम करजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस तीन दल ने से कम कर जड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं आम ओडा ना निज दल से गठन करते जो भी भाव में बीजेडी से बहिष्कार होगापर दल बहिष्कृत करने किदिन धरी से नीरव रही है कौन सी बयान कौन सी प्रतिक्रिया सामना को आसी ना तेणु वर्तमान समय जो चर्चा आलोचना हो पुणी घर बाहुड़ा देखा मिल पारे एवं खंडपड़ा जेहेतु विधायक अच्छा 2019 सौम्य रंजन पटनायक पुणी खंडपड़ापाई आशा संचार होगा खंडपड़ पुणी सौम्य रंजन को प्रार्थी करपे दल एभली किसी चर्चा आलोचना भितर वर्तमान समय जहाँ सूचना मिलूँ जे दिने दुई दिन भितर चित्र स्पष्ट हेबो जे बीजेडी को पुणी सौम्य रंजन फेरुछंती कि नाही गोटे आकलन करा जाउछि। एवं गत किछि दिन पूर्वरु जदि आमे कहिबा प्रश्न पाठसाणी एवं सौम्य रंजन पटनायक दुई जण को नै चर्चा आलोचना जारी रहिथिला जे दुई बड़ नेता मिसी पारंती बीजेपी रे एभली चर्चा आलोचना परे वर्तमान समय पुणी खबर आसुछि जे सौम्य रंजन पटनायक पुणी निज दल अर्थात घर बाहुड़ा देखा मिली पारे किंतु कथा हेउछि दिने दुई दिन अपेक्षा रहिबो दिने दुई दिन भितर गोटे स्पष्ट हेबो जे सौम्य रंजन पटनायक पुणी बीजेडी रे जोग देउछंती कि नाय किंतु सौम्य रंजन पटनायक कथा जदि आमे कहिबा जणे प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं जो भली भाबरे तांकर गोटे दबदबा रहितला तीन दल रे से काम करिछंती बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस तीन दल रे तांकर मध्य गोटे दबदबा रहिछि बा स्वतंत्र गोटे परिचय रहिछि यारी भितर आमे जदि कहिबा बीजेडी रु जेतेबेले बहिष्कृत होइथिले दल विरोधी कार्य पई तांको बहिष्कृत करा जाइथिला एवं परवर्ती समय रे कोनोसी प्रतिक्रिया बा कोनोसी बयान बा कोनोसी सभा समिति रे तांको देखिबा को मिली नथिला तेणु वर्तमान समय चर्चा हेउछि जे पुणी खंडपड़ारु तांकु टिकेट दिया जाई पारे कि खंडपड़ा को नै केते संभावना रहउछि सौम्य रंजन को पई वर्तमान समय आकु नै गोटे बड़ खबर बा बड़ चर्चा आलोचना हेउछि यार भितर समस्तंकर नजर रहउछि जे सौम्य रंजन पुणी दल को फेरी पारंती कि घर बाहुड़ा देखा मिली पारे कि एभली किछि चर्चा आलोचना कुआ जाउछि जे दिने दुई दिन भितर चित्र स्पष्ट हेबो दिने दुई दिन भितर सौम्य रंजन बीजेडी रे जोग देउछि कि नै गोटे क्लियर बा पिक्चर गोटे क्लियर हेबो पूर्वतन लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद 2019 खंडपड़ारु विधायक अछंती सौम्य रंजन पटनायक जने प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं विभिन्न दल रे तांकर अभिज्ञता मध्य रहिछि एवं सबुठ बड़ कथा पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक ज्वाई होउछंती सौम्य रंजन पटनायक पूर्वरु बीजेपी एवं कांग्रेस रे मध्य रही सारिछंती सौम्य रंजन तेणु गोटे दबदबा रही सौम्य रंजन पटनायक आम ओडिशा एवं बीजेडी में सौम्य रंजन थे तेणु विभिन्न दल ने अभिज्ञता रही प्रभावशाली व्यक्तित्व सबुठ बड़ कथा हूँ गत वर्ष आम देखा बीजेडी सौम्य रंजन बहिष्कृत होते बहिष्कृत होगापर तर कौन बयान कौन प्रतिक्रिया सामना को आसी ना किसी दिन धरी नीरव रही है सौम्य रंजन पटनायक वरिष्ठ राजनेता सौम्य रंजन पटनायक विभिन्न दल ने अभिज्ञता रही विभिन्न दल ने से कार्य पूर्वतन लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद मध्य रही सौम्य रंजन पटनायक तेणु वर्तमान समय सौम्य रंजन को नहीं जो भाव में चर्चा हो 2019 जेहेतु खंडपड़ारु विधायक अच्छा सौम्य रंजन पटनायक तेणु वर्तमान समय पुणी घर बाहुड़ा देखा मिल पारे अर्थात पुणी बीजेडी रे जोग दे पारंती बा बीजेडी रे मिसिबा नै गोटे संभावना मध्य रहुछि पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक ज्वाइं होउछन्ति सौम्य रंजन पूर्वरु सौम्य रंजन आम देखा बीजेपी कांग्रेस रे रही सारी गोटे स्वतंत्र परिचय रही प्रभावशाली व्यक्तित्व
आम ओडिशा एवं बीजेडी रे मध्य समीर रंजन थिले तेणु वर्तमान समय रे ये चर्चा आलोचना केते सत हेउची दिने दुई दिन भितरे गोटे पिक्चर क्लियर हेबो बोली कुहा जाउची। गत वर्ष जेतु समीर रंजन बीजेडी रो बहिष्कृत होइतिले एवं वर्तमान समय रे चर्चा आलोचना हेउची जे खूब शीघ्र बीजेडी रे मिसि पारंती समीर रंजन पटनायक तेणु दिने दुई दिन अपेक्षा रहिबो दिने दुई दिन भितरे चित्र क्लियर हेबो अर्थात गोटे पिक्चर क्लियर हेबो बोली आशा करा जाउची। गत दुई तीन दिन पूर्व आपण जानिछंती समीर रंजन पटनायक एवं प्रश्न पाठशाणी को नहीं जो भली भाव रे चर्चा हेला जे उभय नेता बीजेपी रे मिसि पारंती एभली किछि चर्चा आलोचना हेउतला किंतु वर्तमान समय रे पुणी चर्चा हेउची जे समीर रंजन पटनायक बीजेडी रे जोग देबे अर्थात निजर पुरुणा दल को पुणी फेरबे समीर रंजन पटनायक। समीर रंजन पटनायक को नहीं जो चर्चा गत किछि दिन धरि जारी रहिछि ताहा वर्तमान भी थमी नहीं पुणी बीजेडी को फेरबे समीर रंजन पटनायक एवं दिने दुई दिन भितरे गोटे बड़ निष्पत्ति समीर रंजन नहीं पारे ए जाए खंडपड़ा टिकेट जेतु घोषणा होई नहीं बीजेडी खंडपड़ा पाई प्रार्थी घोषणा करी नहीं तेणु सम्यों को पाई एबे भी संभावना रहुची बोली चर्चा आलोचना होउची बा गोटे आकलन करा जाउची जे खंडपड़ारु सम्यों को प्रार्थी करी पारे कि दल 2019 रे आमे जे देखिबा खंडपड़ारु विधायक अछंती समीर रंजन दल विरोधी कार्य पाई बीजेडी रु तांको बहिष्कार करा जाइथिला एवं बीजेडी रु बहिष्कार हेबा परे समीर रंजन को कोनोसी प्रतिक्रिया कोनोसी बयान सामना को आसी नाही नीरव रहिथिले समीर रंजन तेणु वर्तमान समय रे जो चर्चा आलोचना हेउची अर्थात बीजेडी को फेरी पारंती समीर रंजन पुणी घर बाहुडा देखिबा को मिली पारे एभली किछि चर्चा आलोचना रो अंत हेबो दिने दुई दिन भितरे बोली चर्चा हेउची अर्थात समीर रंजन दिने दुई दिन भितरे गोटे बड़ निष्पत्ति नै पारंती अर्थात बीजेडी को पुणी फेरुछंती कि नाही खंडपड़ा को नै जो संभावना कथा कुआ जाउची ताहा मध्य गोटे क्लियर हेबो अर्थात गोटे पिक्चर क्लियर सामना को आसीबो दिने दुई दिन भितरे तेणु मोटामोटी भाव में आम जब कह समीर रंजन पटनायक जड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व तांकर राजनीति में मध्य बहु दबदबा रही बीजेडी बीजेपी कांग्रेस उभय दल ने से काम करिछंती गोटे लोकप्रिय नेता बोली मध्य गोटे स्वतंत्र परिचय रही अभिज्ञ नेता बोली परिचय रही आम ओडिशा निज दल गठन करिछंती यार भितर दल विरोधी कार्यपाई जितेबाला बहिष्कृत कर समीर रंजन पटनायक समीर रंजन पटनायक कौन से बयान बा कौन से मंतव्य दे नहांती गणमाध्यम को तेणु वर्तमान समय जो चर्चा आलोचना जारी रही वर्तमान समय गोटे बड़ अपडेट आसीबो दिने दुई दिन भितर आम आशा कर परिबा तबे समीर रंजन दिने दुई दिन भितरे गोटे बड़ निष्पत्ति नेबे खंडपड़ा टिकेट घोषणा करिनी बीजेडी तेणु समीर को पाई एबे भी गोटे संभावना अर्थात खंडपड़ा पाई गोटे संभावना रहुची एने अधिक आलोचना करिबा अजेश मल्लिक सीनियर करेस्पोंडेंट आम सहित रहउछंती अजेश वर्तमान समय समीर रंजन को नहीं चर्चा कौन हेउची राजनीतिक महल रे कौन चर्चा हेउची जानबा को चाहिबो निश्चित भाव देखु बीजेडी एवं भी टिकेट एक्सरसाइज चली गत काली देखिए नौ विधायक प्रार्थी ना बीजेडी घोषणा कला कि यार भितर आहरी बार विधानसभा क्षेत्र पर टिकेट घोषणा बाकी अच्छे किंतु ता भितर सबुठ चर्चा वर्तमान रोचे खंडपड़ा विधानसभा क्षेत्र ये आसन में जेहतु गत थर बीजेडी लड़ीते सौम्य रंजन पटनायक तेणु लक्ष रु अधिक भोट्रे जीति कितु एजावत देखिए खंडपड़ा विधानसभा क्षेत्र पर बीजेडी तार प्रार्थी घोषणा करना तेणु चर्चा हो ये आसन में किसी द्वंद्व रही कि दल से किसी प्रार्थी परिवर्तन करिबो कि ना कौन एटी अंक वर्तमान किसी रही कारण समीर पटनायक जेहेतु बीजेडी समीर पटनायक हाथ छाड़ी वर्तमान से जो मैंने रही नेता नहीं किसी अंक कसा चली कि ये तमाम दिगक नहीं गोटे राजनीतिक महल चर्चा होार भितर गोटे चर्चा आसूचे भाई कि समीर रंजन पटनायक पुनर्बार बीजेडी को फेरी पारती दल तांको पुनर्बार आपणई पारे ये चर्चा मध्य होउची एवं एने गोटे शीर्ष स्तर में आलोचना चलता मध्य कहुची कि वास्तविक ए संक्रांत देखे देखे ना समीर समीर रंजन पटनायक किसी ना बीजेडी पक्षर कौन स्पष्ट सूचना मिली एजावत ए दुई पक्षर कौन सूचना न मिले भी कहुची समीर रंजन पटनायक को नहीं गोटे आलोचना चली बीजेडी और समीर रंजन पटनायक भितर किसी गोटे विचार विमर्श चलता राजनीतिक महल में चर्चा होती वास्तविक घटना सत्यता के हे तो दिने दुई दिन भितर स्पष्ट हो कारण दिने दुई दिन भितर ये जो चर्चा लगी रही ये चर्चा उपर गोटे परदा उठो बोली कहु आदि ये आलोचना सत्य होता है कहुच दिने दुई दिन भितर समीर रंजन पटनायक बीजेडी को बैक करती पुनर्बार खंडपड़ा
ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା କି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଦଳ ଅଙ୍କ କଷୁଛି ବୋଲି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟିକେଟ ଝୁଲି ରହିବା, ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା ନହେବା, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ବିଦା କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା ନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭଳି ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ଯେହେତୁ ବାକି ଅଛି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ କ'ଣ ଏଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଠି କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ ବିଜେଡି, ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ବିଦା କରିସାରିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ଦଳ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଆସନକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କୁହାଯାଉଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏକଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ମିଳିନାହିଁ, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାରେ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ରହିଛି। ହୁଏତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କୁହାଯାଉଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦଡ଼ା ଉଠିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ଏକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଲଗାତାର ଭାବେ 2009 କଥା ଦେଖିବେ, 2014 କଥା ଦେଖିବେ, 2019 ବିଜେଡି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। 2009 ସେଠୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। 2014 ଦେଖିବେ ସେଠି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ନ ଦେଇ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆଣି ବିଜେଡି ସେଠି ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଯାବତ୍ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡିକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ୟା ଉପରୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସେଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।